साल से हमारे गांव की काया पलट हो गई। घर घर में छोरियों की पूजा हो रही है। छोरियां छोरों की तरह दंगल खेल सके यो तो साबित हो गया, पर छोरे छोरियों की तरह टापू खेल सके यो साबित नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, केवल छोरियां ही वर्ल्ड टापू चैंपियन बन सके, इसलिए छोरी पैदा होते ही गांव में पटाखे चल रहे, लड्डू बांटे जाए। मैं भी लड्डू लेके घूम रहा हूं, हमारे घर में भी छोरी आएगी, हमारी घरवाली भी पेट से है, हमारे घर भी छोरी आएगी। लेकिन महावीर पोपट की किस्मत में बेटी नहीं थी। मुबारक हो पोपट जी, दूसरी बार भी बेटा ही हुआ है। यो कैसे? यो आपके दो छोरे सैं जी। अरे अभी तो लड्डू उठाए भी नहीं मैंने, इतने बड़े हो गए। मने माफ कर दो, मैं आपको छोरी ना दे सकी। गलत मत समझ मने, यो दोनों भी, क्या नाम है तारा? घोंचू और भोंदू। घोंचू और भोंदू? नहीं पापा, मैं भोंदू और मैं घोंचू। देखो ये दोनों भी मुझे इतने ही प्यारे लग गए हैं जितने महावीर जी को गीता और बबीता थे, पर मारा सपना एक छोरी पूरी कर सके। लेकिन पोपट की जिंदगी में एक ट्विस्ट आ गयो। एक दिन घोंचू और भोंदू तबेले के पाछे टापू खेलते हुए पाए गए। मैं तो हमेशा यही सोच के बैठा था कि मेडल तो सिर्फ छुरी ला सके, पर मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मेडल तो मेडल हो गए, छोरी लावे या छोरा। चलो आज से तुम दोनों की ट्रेनिंग शुरू। ट्रेनिंग? छोरों की तरह कुश्ती की ट्रेनिंग? नहीं, छोरियों की तरह टापू की ट्रेनिंग। आज से तुम एक टांग पे चलोगे और एक टापू खिलाड़ी की जिंदगी जियोगे। टांग ऊपर अपनी। महावीर पोपट की मेहनत रंग लाई। वो दिन आ गया जब घोंचू भोंदू को स्टापू चैंपियन का मेडल मिला। आज हमारे छोरे पिंक और पर्पल का फर्क बता सके, ट्रैक्टर के साथ साथ कढ़ाई में कड़छी भी चला सके, नाच सके, गा सके, लड़कियों की तरह सेंसिटिव बन सके। तो बोलो इंडिया, मारे छोरे छोरियों से कम है कि